नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोविड के नए मामलों में उतार चढ़ाव का रुख जारी है। भारत में आज कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 44,000 के करीब था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 38,628 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 617 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी तेजी आई है। अब तक लोगों को वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 3,10,55,861 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। मौजूदा समय में रिकवरी रेट 97.37% है। बीते 24 घंटों में 40,017 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, जिससे कोरोना के एक्टिव केस देश में घट गए हैं। फिलहाल भारत में 4,12,153 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.29% है। संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में साप्ताहिक संक्रमण दर 2.39% है, जबकि दैनिक आधार पर पॉजिटिविटी रेट 2.21% है, जो पिछले 12 दिनों से 3% के नीचे है। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। इसमें पिछले 24 घंटों में दी गई 49,55,138 खुराकें भी शामिल है। देश में अब तक 47.83 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।